इन्वेस्टर्स क्लिनिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक व्यक्ति हुआ धोखाधड़ी का शिकार। पीड़ित जयदेव यादव निवासी गुरहट्टी कोट रोड ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को एक शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं जयदेव यादव, आज जो आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का जो शिकायत पत्र लिखा है, किस बारे में लिखा है? ये शिकायत पत्र एक इन्वेस्टर क्लिनिक के लिए है, क्योंकि मैंने 2015 में एक इन्वेस्टर क्लिनिक के द्वारा एक फ्लैट बुक कराया था, जिसमें मेरे को काफ़ी सुविधाएं वगैरह बताकर प्रलोभन दिया था और ये भी बताया था यदि आप कभी कैंसिल करते हो तो इसमें आप 10% काटकर आपको सारा पेमेंट वापस मिल जाएगा। मैंने 10% टोकन मनी उन्हें मांगा, वो मैंने इनको दे दिया था। उसके बाद मेरे को तुरंत इनका 7.5 लाख रुपये का और डिमांड आया, जबकि मेरे को ये बोला गया था कि आपको बाकी की पेमेंट पोजीशन के टाइम पे देनी है और एक साल के अंदर हम पोजीशन दे देंगे। जब मेरे को 7.5 लाख रुपये की और डिमांड आई तो मैंने कहा भाई ये क्या है कहानी, बोला नहीं आपको देने पड़ेंगे। मैंने कहा भैया मेरा कैंसिल कर दो और मेरा बाकी का 10% काट के मेरी पेमेंट वापस कर दो। और तब से फिर इन्वेस्टर क्लिनिक ने मुझे NOC भी दे दी थी, जो ये NOC इन्वेस्टर क्लिनिक थी 2016 की। 16 के बाद इन्होंने बोला कि आप बिल्डर से आके मिल लीजिए, वो आपको पेमेंट करा देगा। हम बिल्डर से मिलते रहे, समय समय पे जाके मिलता रहा। वो बोले आपको जब वो फ्लैट बिकेगा तब आपको उसका पैसा आपको मिल जाएगा, जब वो बिक जाएगा तब आपको मिलेगा, अभी बिका नहीं है, अभी बिका नहीं है। अब लेकिन कुछ समय 2-3 महीने पहले हमें फाइनली मना कर दिया गया कि आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने तो हम आपसे और उल्टा लेंगे, क्योंकि आपने इतना लेट कर दिया, आपकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। तब ये मैं 1,80,000 रुपये मेरी पेमेंट डिपॉजिट है, जिसकी मांग के लिए मैं थाने भी गया था। 28 तारीख को थाने में तहरीर दी थी, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। वो भी कहते रहे हाँ होता रहेगा होता रहेगा, लेकिन आज सुबह में उन्होंने मना कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट के द्वारा करूँ। तब मैं यहाँ पर SSP साहब के पास अपनी शिकायत लेकर आया हूँ कि मेरी सुनवाई की। तो SSP साहब ने क्या आश्वासन दिया? वो कह रहे हैं हम SHO साहब को बोल रहे हैं और आप दोनों पक्षों को बैठा कर हम बात करेंगे। तब मेरे को धमकियाँ दी जा रही हैं, तुम हमारा क्या उखाड़ सकते हो, हम बहुत बड़े लोग हैं और हम तुम जैसे लोगों को रोज़ पानी पिलाते हैं। इस तरीके की बहुत ऐसी भाषाएं बोल रही हैं जिससे मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, ये मेरे साथ कोई दुर्घटना ना करा दें, क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, बस प्रशासन से अपनी सुरक्षा चाहता हूँ और अपने पैसे की बरामदगी चाहता हूँ।